फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल सी स्क्वायर इन्फोटेक। तो ये वीडियो में आपको हम दिखाएंगे कि एनईएफटी शेड्यूल पेमेंट कैसे स्टॉप करना है। तो सबसे पहले लॉगिन करेंगे अपना आईडी में, नेट बैंकिंग लॉगिन। लॉगिन करने से आपका डैशबोर्ड कुछ ऐसा दिखेगा। तो आपको जाना होगा फंड ट्रांसफर में। फंड ट्रांसफर में देखिए नीचे में शेड्यूल ट्रांजैक्शंस, उसमें क्लिक करना होगा। वहां पे आपका जो भी पेंडिंग ट्रांजैक्शंस दिखाई देगा, जो आपका शेड्यूल्ड है पेमेंट के लिए, तो ये जो थ्री डॉट्स है वहां पे आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद स्टॉप ट्रांजैक्शन, उसमें क्लिक करेंगे। नीचे स्क्रॉल करके आप देखिए वहां पे एक वन टाइम ओटीपी जाएगा आपका मोबाइल में, वो डालना होगा। रिमार्क पे स्टॉप पेमेंट कुछ भी लिख दीजिए। वन टाइम ओटीपी डालने के बाद आपको ट्रांजैक्शन पासवर्ड डालना होगा। पासवर्ड डालने के बाद स्टॉप उसमें क्लिक कर लीजिएगा। तो आपका जो भी एनएफटी शेड्यूल पेमेंट है वो स्टॉप हो गया। तो ऐसे आप अपना शेड्यूल पेमेंट स्टॉप कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।